हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वेलकम है आज मेरे न्यू वीडियो में। मैं हूं समीर, आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक न्यू बिजनेस आइडिया। तो फ्रेंड्स, जो आज की मेरी न्यू बिजनेस आइडिया है वो इस चीज पे बेस्ड है कि मैं आप लोगों के लिए, मैं जहां भी जाता हूं मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि आप लोगों के लिए एक न्यू बिजनेस आइडिया कैसे मैं लाऊं, कैसे आप लोगों को ऐसा कुछ गाइड करूं जिससे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। तो आज का जो मेरा बिजनेस आइडिया है वो है सीख कबाब कॉर्नर। सीख कबाब कॉर्नर का जो बिजनेस है वो मुझे कैसे आप लोगों के लिए पता चला, मैं कुछ दिन पहले रात को बाहर खाना खाने जा रहा था तो मैंने जो है वो मेरे फ्रेंड्स के साथ सीख कबाब सेंटर पे गया। जब मैं सीख कबाब सेंटर पे गया तो मैंने देखा कि वहां पर इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया इस बिजनेस के बारे में तो मुझे ये पता चला कि सीख कबाब का जो बिजनेस है वो अगर हिट हो गया तो उससे सक्सेसफुल और कोई बिजनेस नहीं है, और उसको हिट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप सीख कबाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप सीख कबाब का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो एक अच्छी लोकैलिटी ढूंढो, स्पेशली वो लोकैलिटी जहां पर नॉनवेज खाने वाले लोग मौजूद हो, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन लोकैलिटी में जाके खोलोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। सेकेंड चीज ये कि जो लोकेशन होगी शॉप की वो कोशिश करके एक प्राइम लोकेशन होनी चाहिए जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते हो। अब उसके ही साथ में ये भी देखना जरूरी है कि आसपास में जो है वो दूसरे सीख कबाब सेंटर ना हो। अगर ऑलरेडी है और आप भी उधर डालोगे तो हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो और बिजनेस नहीं हो पाए। इसके अलावा सीख कबाब बिजनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है वो है सीख कबाब। अब ये जो सीख कबाब है या खाने की कोई भी आइटम ले लो, ये एक तरीके से एक साइंटिफिक चीज है। साइंटिफिक चीज क्यों है? सही मात्रा में सही पदार्थ उसमें डालना है सही वक्त पे। मतलब सीख कबाब के अंदर कितना गोश्त डालना है, कितना प्याज डालना है, कितना चर्बी डालना है, कब डालना है, उसको कितनी आंच पे सेकना है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती है। मतलब जो एक सीख कबाब होती है उस कबाब में हम लोग को शायद ये लगता होगा कि सिर्फ गोश है, मतलब सिर्फ मटन है, लेकिन उसमें सिर्फ मटन नहीं होता। वो लोग उसके अंदर मटन के साथ में चर्बी और कुछ सब्जी वगैरह भी डालते उसका खीमा बनाने के टाइम पे। सब्जी से मेरा मतलब है कोथमीर वगैरह, ना कि कैबेज वगैरह। तो मटन जो है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 60%, चर्बी होती है 25-30%, कोथमीर प्याज वगैरह का थोड़ा सा कुछ होता है एकदम 5%, नमक वगैरह मसाले। तो ये जो प्रॉपर कॉम्पोजिशन है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो ये गोश्त लिया जाए ये ऐसी जगह से लिया जाए जहां से आपको फ्रेश मिले, कम भाव में मिले। फिर आपके पास कारीगर होना चाहिए, खीमे बनाने की मशीन होनी चाहिए, जो सीख कबाब है उसको सेकने वाला होना चाहिए, ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को आपको इनके थ्रू सीख कबाब बना के ट्राई करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को खिला के देखना पड़ेगा कि क्या आपकी सीख कबाब वो प्रॉपर टेस्ट ला रही है, वो प्रॉपर टेक्सचर ला रही है। मैंने जो देखा है सीख कबाब के बिजनेस वालों को, उसमें ऐसा है कि अगर आपके पास प्रॉपर आइडिया और प्रॉपर आदमी है और आप प्रॉपर लोकेशन पे हो तो आप रोज का लाख रुपया भी कमा सकते हो। जी हाँ, रोज का लाख रुपया। सीख कबाब वाले नॉर्मली जो है सीख कबाब के साथ पराठा बेचते हैं, कुछ कुछ लोग जो है उसके साथ में कुछ और भी लाइक वो कलेजी वगैरह भी सेल करते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली आप सीख कबाब पे रहो तो ज्यादा बेटर है। अब इसका प्राइसिंग, जो सीख कबाब बिजनेस है इसके अंदर प्राइसिंग ऐसी होती है कि जैसे मुंबई में मैंने देखा है कि 20 रुपीज का सीख एंड 20 रुपीज का पराठा मटन का, और जो चिकन की बात है
वो 40 रुपीज के करीब या 45 रुपीज के करीब चिकन के सीख और पराठा वही 20 रुपीज का। लेकिन मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि मैं बीच में साउथ बॉम्बे गया था, वहां पर डोंगरी के पास मैंने देखा कि एक पर्सन है जो 10 रुपए की सीख और 10 रुपए का पराठा बेच रहा है। मैंने वो ट्राई करके भी देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई ट्राई करके भी देखा, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा खाने में। मुझे ऐसे कोई ऐसे नहीं लगा कि वो कचरा माल बेच रहा है, और प्लस उधर भीड़ भी बहुत थी। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपए का सीख और 10 रुपए का पराठा बेच के भी प्रॉफिट कमा सकता है, तो आप 20 रुपए में कितना प्रॉफिट कमा सकोगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको हर वीडियो के जैसे ये बोलना चाहूंगा, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस और बिना रिसर्च के इसमें घुसना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सीख कबाब बिजनेस के बारे में। और सीख कबाब बिजनेस के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लाइसेंसेस लगते हैं, जैसे फूड लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, कंपनी आधार। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप ये बनवाना चाहते हो तो हम आपको ये बना के दे देंगे, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो और आपको घर बैठे ये बना के मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जहां पर आप सीख कबाब सेंटर चालू करना चाहते हो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और रेंट पे ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट, और आपके सेविंग अकाउंट का या करंट अकाउंट का पासबुक का कॉपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है वो ये लाइसेंसेस बनाना चाहते हो, या आपका कोई दोस्त ये लाइसेंस बनाना चाहता है, या इस लाइसेंसेस के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर, और जल्द से जल्द अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बाय बाय।